So hello dosto की हाल चाल थोड़े से आ रहेगा इका फिर तो स्वागत है मैं एक नई वीडियो तो जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं बात करने वाले एल पी ऊ नेस्ट की जर्नलिज्म कोर्स के बारे में अगर आप करना चाहते हैं एलपीयू से बीजेएमसी जिसका मतलब है बी एन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तो उसका एल पी यू का पैटर्न क्या रहेगा कोर्स सिलेबस क्या रहेगा सारी भी चीजें हम इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आप एल पी ऊ से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें सबसे जल्दी एल पी के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे आपके इस चैनल पर रेगुलरली सबसे जल्दी मिलते रहेंगे उसके बाद शुरू करते हैं अपने वीडियो आपको आना है गूगल के ऊपर गूगल के ऊपर एपीयू सर्च करना एलपी के बाद आपको नेस्ट की वेबसाइट ऐसे मिल जाएगी उसके ऊपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेस्ट की वेबसाइट खुल जाएगी तो नेस्ट का जो एग्जाम है एक टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम है मतलब कि आपका ऑनलाइन घर पे बैठ के नहीं होगा कोविड की वजह से दो साल ऑनलाइन हुआ था लेकिन अब दोबारा से, से सेंटर के में स्टार्ट हो गया तो भी ये टेस्ट सेंटर्स कहां पे 28 स्टेट्स में एट यूनियन टेरिटरीज में मोर देन 200 सिटीज़ में टेस्ट सेंटर्स है एलपी नेस्ट के तो यहां पे अभी हम बात करने वाले बीजेएमसी कोर्स की तो आपको अपना कोर्स ढूंढना है यहाँ पे तो ये रहा हमारा कोर्स बी ठीक है मतलब बी इन जर्नलिज्म है मास कम्युनिकेशन उसके बाद आपके सामने एल पी का फॉर्म खुल जाएगा पेज तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो एल पी का टेस्ट सेंटर है अगर आप यहाँ पे बीजेएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो एल पी का एग्जाम है वो कंपलसरी नहीं है बिना एल पी के भी पे, पे एडमिशन ले सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक फन फैक्ट बताता हूं कि उसके अगर आप बिना आप एल पी एन एस के एग्जाम लेते हो तो आपको पूरी की पूरी फीस पे करनी पड़ेगी लेकिन यहाँ पे जो फीस है वो काफ़ी महंगी है तो अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप चाहिए तो एल पी एन एस का एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है ठीक है एंट्रेंस एग्जाम के साथ भी लेकिन यहाँ पे आपको बीजेमसी वालों को एल पी ओन का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है लेकिन आपको एग्जाम सौ देना चाहिए तो जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अदरवाइज आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा रहने वाला है तो एग्जाम आपका टेस्ट सेंटर पर होगा ठीक है यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बिना स्कॉलरशिप पढ़ेंगे यहां पे तो आपको क्या नुकसान होगा कितनी फीस आपका पे करेंगे अगर 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 दे तो उससे आपका क्या फायदा होगा ठीक है तो हम यहां पे कौन सा कोर्स हमको ढूंढना है बीए जर्नलिज्म ये रहा आपका बी एंड जर्नलिज्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हम बी ए जर्नलिज्म वाले पेज पे चले जाएंगे ठीक है इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं तो उसके बाद अगर यहाँ पे हम बीए जर्नलिज्म वाले दोबारा उस पर चले जाएंगे जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम आगे का आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि पैटर्न क्या रहेगा उसके बाद यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएगी कि कब एल पी की डेट्स आप कब रजिस्टर कर सकते हो लास्ट डेट क्या है तो यहाँ पर आपको बता दूँ थर्टी अप्रैल टू लास्ट डेट है एल पी के एग्ज़ाम के लिए ठीक है रजिस्टर करने के लिए उसके बाद लास्ट डेट रहेगी आपको एप्लीकेशन फॉर्म देने के लिए थर्टी फर्स्ट मार्च है लास्ट डेट ऑफ़ एडमिशन है थर्टी अप्रैल एल पी ओन एस एग्ज़ाम के लिए लास्ट डेट है थर्टी फर्स्ट मार्च आपकी स्लॉट बुकिंग है जो वो स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन हमें एग्जामिनेशन फिफ्टीन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से आपका एग्ज़ाम रहेगा पाँच से थर्टी अप्रैल के बीच रिजल्ट आपका विदिन फोर्टी एट आवर्स में आ जाएगा तो यहाँ पर अगर हमें आप, आपको लेके जाऊँ ना स्कॉलरशिप्स के ऊपर तो आपको समझ आएगा तो यहाँ जो फीस रहने वाली है जो बीजेम से की पर सेमेस्टर फीस कितनी है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीजी फीस है बहुत ज्यादा है लेकिन अगर आप एल पी एस का एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको ये वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पर सेमेस्टर फीस पे करनी पड़ेगी लेकिन अगर आप एल पी ऊन का एग्जाम देते हैं और कैटेगरी वन की कट ऑफ में आते हैं तो आपको फिफ्टी परसेंट की डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल रही है तो मतलब आपके पर सेमेस्टर सिक्सटी थाउजेंड रुपीजी सेव होंगे और अगर आप कैटेगरी टू में आते हैं तो आपको फोर्टी फाइव परसेंट की स्कॉलरशिप मिलती है मतलब आपके पर सेमेस्टर फिफ्टी फोर थाउजेंड रुपीज़ सेव होंगे अगर आप कैटेगरी थ्री में आते हैं मतलब सबसे लोएस्ट वाली कैटेगरी में भी आते हैं तो भी आपको फोर्टी परसेंट की मिल रही है मतलब आप पर सेमेस्टर फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज फीस सेव करेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एलप्यूनेश के बिना यहां पे एडमिशन बिल्कुल ना ले एलप्यूनेश का एग्जाम देना बिल्कुल कंपलसरी है है उसके उसके बाद बाद आपको यह बता दिया अब बात है कि जो आपका एग्जाम है वो आपको सेंटर पर जाकर देना है तो कहां पे हो पे टेस्ट पर होगा तो यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे जहां से आप देख सकते हैं कि आपकी टेस्ट सिटी कौन सी रहेगी जैसे हम यहां पे देख लेते कि अगर मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं तो मेरे कौन कौन से करीब टेस्ट सेंटर्स है अगर मैं रायपुर से बिलोंग करता हूँ तो रायपुर में ही है अगर मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ तो बिलासपुर में ही है बिलाही का भी है लेकिन अगर यहाँ पे आपकी सिटी नहीं है Mentioned. तो आपको आपको अपने सबसे सबसे नियरेस्ट नियरेस्ट वाले देखना है कि कौन सा वाला रहेगा जाके वो वाली सिटी लेक्ट करनी है और वहां देना पड़ेगा तो उसके बाद यहां पर इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर आ जाएंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा आपका तो यहाँ पे आप आएंगे कि आपका नाइनटी मिनट्स का एग्जाम रहने वाला है मतलब वन आर थर्टी मिनट्स का आपका एग्जाम रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले तो उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी अकाउंटेंसी यहाँ पे आपको कौन से वाले सब्जेक्ट चूज करने हैं तो जो भी सब्जेक्ट आपके पास ट्वेल्थ में थे आपको इन से वो सब्जेक्ट चूज करने ये वाले आपके सारे ठीक है जैसे बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री सोशोलॉजी साइकोलॉजी ज्योग्राफी एग्रीकल्चर फिजिकल एजुकेशन पोलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे क्वेश्चन हो गए तो यहां पर आपको ठीक है इंग्लिश इज कंपल्सरी एंड एप्लीकेंट ऑफ फॉर एनी ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट तो आपको टोटल यहाँ पे तीन सब्जेक्ट चूज़ करने हैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इन सारे सब्जेक्ट में से आपको कोई भी टोटल तीन सब्जेक्ट चूज करने हैं जिसमें से आपका इंग्लिश सब्जेक्ट तो हमेशा कॉमन मतलब रहेगा ही रहेगा जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री या आपके पास जैसे कि इंग्लिश अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज तो आपको इनमें से कोई भी तीन जो है वो चूज़ करने हैं तो अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपके टोटल तो 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 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट करेंगे जैसे मैं यहाँ पे चूज करता हूँ कि यह मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं चूज करूँगा इंग्लिश फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो मेरे टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे थर्टी क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे फिफ्टीन क्वेश्चन मेरे फिजिक्स के आएंगे और फिफ्टीन क्वेश्चन मेरे मैथमेटिक्स के आएंगे तो टोटल मेरे कितने क्वेश्चन हो गए तीन सब्जेक्ट के सिक्सटी क्वेश्चन और यहाँ पे अगर हम टोटल मार्क्स यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट अपने ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग चूज करने से सिर्फ तीन सब्जेक्ट करने हैं जिसमें से आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो कंपलसरी रहेगा ठीक है उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे सिलेबस की तो जो तीन सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं उसका सिलेबस क्या रहेगा ना तो यहाँ पे आगे यहाँ पे आप सारी लिस्ट आ गई आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा यह मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे आपको सिलेबस चेक करना है तो यहाँ पे आपने जो भी तीन सब्जेक्ट चूज किए जैसे मैंने अकाउंटेंसी इंग्लिश और हिस्ट्री चूज़ किया तो अकाउंटेंसी का सिलेबस ये रहेगा फिर उसके बाद हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री का सिलेबस ये रहेगा उसके बाद इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है ही तो इंग्लिश का ये सिलेबस तो सबके लिए सेम रहेगा तो यहाँ से आप सिलेबस भी देख सकते हो तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया वैसे जो एल की ऑफिशियल फॉर्म की फीस है वो थाउजेंड रुपीजी है बॉयज़ के लिए फाइव हंड्रेड गर्ल्स के लिए लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट फिफ्टी का डिस्काउंट मिल जाता है जिसके बाद जो फॉर्म की फीस रह जाएगी बॉयज़ के लिए रह जाएगी फाइव गर्ल्स के लिए रह जाएगी टू तो तो ये आपको एक और एडिशनल डिस्काउंट मिल गया ठीक है तो सारे आपको कोई भी डाउट है अगर तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो है ना तो उसके बाद अगर कोई फिर भी डाउट बचते हैं तो आप नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो उसके बाद भी कोई डाउट बचते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय